एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लघु उद्योग एंकर नंबर 11 फिर से रिपीट। एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लघु उद्योग विकास निगम की अध्यक्ष इमरती देवी को क्लिनिकल मास्क लगाने की हिदायत दी। उन्होंने सभी के सामने उन्हें टोका और कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, कपड़े के मास्क से वायरस से बचना संभव नहीं है, इसलिए आप क्लिनिकल मास्क लगाओ। सिंधिया की हिदायत सुनने के बाद इमरती देवी ने कान पकड़कर कहा, गलती हो गई महाराज। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण की समीक्षा करने के लिए कोविड कमांड सेंटर पहुंचे। कोरोना संक्रमण की समीक्षा करने से पहले सिंधिया ने कोरोना संक्रमण की वजह से घरों पर आइसोलेट किए गए मरीजों से वीडियो कॉल कर हालचाल पूछा। मरीजों का हालचाल पूछने के बाद सिंधिया ने कोरोना संक्रमण को लेकर जिले के अफसरों के साथ बैठक की और समीक्षा की। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मिलने आई लघु उद्योग विकास निगम की अध्यक्ष इमरती देवी को क्लिनिकल मास्क लगाने की हिदायत दी। उन्होंने सभी के सामने उन्हें टोका और कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, कपड़े के मास्क से वायरस से बचाव संभव नहीं है, इसलिए आप क्लिनिकल मास्क लगाओ। जिसके बाद इमरती देवी ने अपने कान पकड़कर माफी मांग ली। एक्सटेंशन लगाएं, बाइट लगाएं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सहित ग्वालियर में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी आम जनता सहित जनप्रतिनिधियों में मास्क को लेकर कोई गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। आज हमारी करीब एक घंटे की प्रस्तुतिकरण एवं संपर्क रहा। ग्वालियर जिले की कोविड व्यवस्था की पूरी स्थिति का जायज़ा भी हमने लिया। मैंने स्वयं चार हमारे संक्रमित कोविड के संक्रमित नागरिकों से मैंने स्वयं बात की, अनीता जी से बात की मैंने, संजय शर्मा जी से बात की और ऐसे तीन चार हमारे नागरिकों से मैंने स्वयं बात की। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार 95% लोग कम से कम ज़्यादा लक्षण नहीं हैं, सभी स्वस्थ हैं। इस बात की भी मुझे बड़ी खुशी है कि प्रशासन की तरफ से रोज दूर संचार के माध्यम से उनसे संपर्क किया जा रहा है। कम से कम दिन में दो बार फ़ोन कॉल हर मरीज के पास जा रहा है जो होम आइसोलेशन में है। दवाइयां भी उपयुक्त रूप से हर मरीज के यहाँ पहुँचाया जा रहा है। पिछले डेल्टा वेव की तरह जब हम लोगों को एंटीबायोटिक्स, डेक्सामेथासोन, बाकी जिंक, मल्टीविटामिन, कई दवाइयां पहुँचाने की ज़रूरत थी, इस वेव में एंटीबायोटिक्स और डेक्सामेथासोन की ज़रूरत आज तक नहीं हुई है। लेकिन फिर भी क्रोसिन, डोलो, मल्टीविटामिन, विटामिन सी दवाई की पैकेट प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा हर मरीज को पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ एक समीक्षा बैठक भी कोविड की स्थिति का जायज़ा हमने लिया। पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी आज उपस्थित थी और हम सब ने साथ में ये जायज़ा लिया कि ग्वालियर में कितने पॉजिटिविटी रेट है, क्या पोजीशन है। करीब तीन हफ्ते पहले वर्चुअली तैयारियों पर समीक्षा हमारे द्वारा की गई थी दिल्ली से और हमने पुख्ते रूप से तैयारी जो की थी
उसकी समीक्षा भी आज की गई। खबर मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।